अगर आप लोग कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, एक ग्वालियर है, दूसरा आपका ओरछा। इन दोनों शहरों को आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो MPPSC हो या फिर बाकी स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, इनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। साथ में याद रखिए, आपका सिविल सर्विस हो या फिर आपका स्टेट PCS कोई हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। तो आज हम बात कर लेंगे, कुछ MP के बारे में भी सामान्य जानकारी देख लेंगे और ओरछा और ग्वालियर के बारे में विस्तार से थोड़ी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है? और विश्व धरोहर सूची के बारे में भी बात कर लेंगे कुछ पॉइंट। वैसे इनके बारे में आप लोग कहीं से भी सर्च करके पढ़ते रहा करिएगा, इससे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बन जाते हैं। और उसे बहुत विस्तार से बात की हुई है, तो यहां ज्यादा बात करने की मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है। देखेंगे आप लोग कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें जैसे ही अब आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत। अगर आपके पड़ोसियों की बात करें तो यहां आपको देखने को मिलेगा ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, जिसे आप लोग म्यांमार कहते हैं या बर्मा कहते थे पहले, ये बर्मा है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी है। नीचे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और यहाँ आप देखेंगे अरब सागर। अब बात करनी है हमें मध्य प्रदेश के बारे में, जिसे आप लोग हृदय प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, आप लोग नदियों का मायका भी कह देते हैं, हृदय प्रदेश भी कह देते हैं। तो इसकी सीमा की अगर बात करें हम लोग, तो नीचे आपका महाराष्ट्र से लगती है, यहाँ गुजरात, ऊपर राजस्थान और यहाँ आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़, पांच राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है? अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो भोपाल आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके गठन की बात करें, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। और आपने देखा होगा कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग करके इसी राज्य से बनाया गया था। जब छत्तीसगढ़ और MP एक हुआ करते थे, तब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ करता था MP। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद आप देखते हैं कि राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगर यहाँ की हम लोग बात करें विधानसभा सीटों की, तो 231 आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 29 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें आपको 11 देखने को मिलेगी, ठीक है? और यहाँ की हाईकोर्ट की बात करें तो आपको जबलपुर में इसका हाईकोर्ट देखने को मिलेगा। और खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये कुछ सामान्य जानकारी रहती है, कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। हो सकता है कि आप MPPSC का पेपर दे रहे हो, MP से ना हो, तब भी आप लोगों को एक सामान्य जानकारी तो याद रखना चाहिए। और MP के कोई भी एग्जाम हो, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MP स्पेशल से। MPPSC में तो कई बार आप देखते हैं कि 50 क्वेश्चंस तक पूछ लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस में से कभी कभी 48-50 क्वेश्चंस केवल MP GK के पूछ लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखा करिएगा, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। तो ये ओरछा, तो ओरछा की अगर बात करें हम लोग, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बात और याद रखिए आप लोग, ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आया करता था, लेकिन आपने देखा होगा कि नया जिला निवाड़ी बनाया गया। क्या? निवाड़ी, जिसमें आप देखते हैं कि निवाड़ी शामिल है, जिसमें पृथ्वी पर ही आपका शामिल है ओरछा भी, ठीक है? तो अब याद रखिए, टीकमगढ़ जिले में नहीं आता है, अब आपका निवाड़ी जिले में आता है। क्या? ओरछा, ठीक है? क्या आता है? ओरछा आपको देखने को मिलेगा निवाड़ी जिले में। देखिए एक खजुराहो यहीं आपको देखने को मिलेगा, पन्ना, छतरपुर, ठीक है? और यहां आप आएंगे तो ये टीकमगढ़ हो गया आपका, और यहां आपको देखने को मिलेगा ओरछा, ठीक है? ये है आपका ओरछा, झांसी के पास ही पड़ता है ओरछा आपका। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने मंदिरों और महिलाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी है। और एक बात और याद रखिए, यहाँ राम मंदिर की भी आप देखते हैं राम राजा सरकार, तो कई लोग यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए भी आप लोग देखते होंगे जाते हैं। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का एक प्रमुख कस्बा है। इस किले का निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। किले के अंदर एक मंदिर भी है, यह दुनिया का एकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ओरछा विशेष रूप से राजमहल, जहांगीर महल,
राय परवीन महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों और महलों के लिए विख्यात भी है। एक बात और आपको बताऊं, बुंदेलखंड में अगर आप लोग रहते हैं आसपास, तो आपने देखा होगा कि एक शादी के टाइम ओरछा जाते हैं कार्ड लेकर अपनी शादी का, हरदौल की मनोती एक तरह से होती है, तो यहाँ हरदौल का मंदिर भी है। समझ रहे हैं आप लोग, काफी आप लोग अगर बुंदेलखंड में रहते हैं तो काफी इनके बारे में चर्चा रहती है वहां, और अगर नहीं रहते हैं तब भी आप लोग सर्च करके थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्वालियर के बारे में, अगर कुछ जानकारी की बात करूं हम लोग, तो आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा कहां, मध्य प्रदेश का शहर ही है ग्वालियर, ठीक है। क्या है ग्वालियर आपका, ये आपका क्या ग्वालियर, देखिए ये आपका ग्वालियर। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर भी मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर और प्रमुख शहर भी रहा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार और राजवंश, तोमर बघेल, कछवाहों और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। एक क्वेश्चन कई बार आपका वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा क्वेश्चन है वो, कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, और कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई यानी कि डेथ कहाँ हुई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ था बनारस में और इनकी शादी हुई थी झांसी में, और इनकी जो मौत हुई थी वो हुई थी कहाँ, ग्वालियर में। तो इनकी जो समाधि स्थल बनाया गया है वो है ग्वालियर, क्या है ग्वालियर, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार कहीं पेपर चल रहा था SSC का, वहां किसी ने पूछा कि वो कहाँ है इसका, तो मैंने कई बार उससे बोला कि आप कहाँ बैठे हुए हो, किस शहर में आप बैठे हुए हो, तो फिर भी उसे समझ में नहीं आया, तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख हूण शासक मेहर कुल की देन है, जो 6वीं सदी में यहाँ राज किया करते थे। इस प्रशस्ति में उन्होंने अपने पिता तोरमान की प्रशंसा की है, और 1375 में राजा वीर सिंह को ग्वालियर का शासक बनाया गया, उन्होंने तोमर वंश की स्थापना की है। इसी तोमर वंश के शासन के दौरान ग्वालियर के लिए में जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। काफी किला भी अच्छा है, आप लोग कभी जा सकते हैं तो घूमिए, ठीक है। ग्वालियर की प्रसिद्ध किले के अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा यहाँ अन्य भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, बलुआ पत्थर से बना महाराजा मानसिंह का किला, गुर्जर राजवंश द्वारा निर्मित अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना विष्णु जी का तेली का मंदिर, राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया मान मंदिर महल, जयविलास महल, संग्रहालय और तानसेन स्मारक और गोपचाल पर्वत, जैन मूर्तियां यहाँ आदि कुछ बहुत भी स्थल चर्चित स्थल भी एक तरह से रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए क्या होगा कि विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल करने से अब यहाँ पर्यटक की संख्या बढ़ जाएगी और काफी विकसित भी होंगे आने वाले समय में, ठीक है। अगर बात करें हम विश्व विरासत शहरों की सूची की, तो विश्व विरासत शहरों शहर कार्यक्रम औपचारिक रूप से विश्व विरासत समिति द्वारा अनुमोदित और लागू किए गए 6 विषयगत कार्यक्रमों में से एक है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए स्थलों का प्रतिष्ठित सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे चयन के लिए निर्धारित निम्नलिखित 10 मानदंड में से कम एक को पूरा होना चाहिए। कौन कौन से हैं मानदंड, इन्हें आप लोग याद रखिए, मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थल, फिर आप देखेंगे दूसरा है सांस्कृतिक क्षेत्र में दुनिया के मानवीय मूल्यों के महत्वपूर्ण आदान प्रदान को प्रदर्शित करने वाली वास्तुकला या फिर प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, टाउन प्लानिंग या फिर लैंडस्केप डिजाइन के विकास वाले स्थल, फिर आप तीसरा देखेंगे विलुप्त हो चुकी या वर्तमान में विद्यमान किसी सभ्यता या किसी सांस्कृतिक परंपरा के अनूठेपन को प्रदर्शित करने वाले स्थल, चौथा आप देखेंगे निर्माण का ऐसा बेहतरीन उदाहरण जो ऐसी वस्तु वास्तुकला और स्थापत कला या फिर तकनीकी या प्राकृतिक भूदृश्य का नमूना हो जो मानवता के इतिहास में किसी उल्लेखनीय चरण को दर्शाता हो। पांचवी अगर बात करें तो किसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भूभाग, समुद्री भाग या फिर आप देखेंगे पारंपरिक मानव निर्मित कलाविहीन बेहतरीन नमूना हो या फिर अचल बदलाव के असर के कारण भले ही असुरक्षित हो चुका हो कोई ऐसा नमूना हो जिसका पर्यावरण और मानवीयता के बीच कोई खास संबंध रहा हो। छठवें पॉइंट की बात करें तो बेहतरीन वैश्विक मूल्यों वाले कलात्मक और साहित्यिक काम के साथ किसी विचार परंपरा या आस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा कोई नमूना भी हो सकता है। सातवां आप देखेंगे प्राकृतिक संरचना अद्वितीय श्रेणी की हो या फिर अनूठी सुंदरता और सौंदर्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। आठवां आप देखेंगे जीवन के विकास समेत पृथ्वी के इतिहास के
किसी खास चरण का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संरचना जो किसी खास भूभाग के विकास के लिहाज से जारी भूगर्भीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो या उसका जियोमोग्राफिक या फिजियोग्राफिक महत्व। नौवीं बात अगर करें तो जीवों व वनस्पति के समुदाय भूभाग या फिर जल तट या समुद्री इकोसिस्टम के विकास की प्रक्रिया में जारी इकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व या महत्वपूर्ण नमूना। दसवीं बात करें हम लोग तो जैविक विविधता की यथास्थान संरक्षण के लिए प्राकृतिक हैबिटेट के नजरिए से महत्वपूर्ण हो। इसमें आप देखेंगे विज्ञान या संरक्षण के नजरिए से वैश्विक मूल्यों वाली अस्तित्व के संकट से जूझ रही प्रजातियां भी शामिल होंगी। एक तरह से इन आधार पर शहरों को सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप कुछ पॉइंट यूनेस्को के बारे में। और वैसे याद रखिए आपके जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, सबको कवर कर चुका हूं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई छूटा हुआ है तो आप लोग बताइएगा, उन्हें भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि आते रहते हैं इनसे क्वेश्चंस। कभी ये रिपोर्ट जारी करता है, उन रिपोर्टों के बारे में पूछ लेता है, कभी इनके मेंबर्स के बारे में पूछ लेता है, कभी मुख्यालय के बारे में पूछ लेता है, कभी आप देखते हैं कि एमपीपीएससी में 3 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है। तो बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया गया है, उन्हें कवर कर लें आप लोग। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत है। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा? पेरिस में। तो ये कहानी है पूरी आपकी। यूनेस्को के बारे में भी आपको मालूम चल गया है, इन दो शहरों के बारे में भी काफी विस्तार से मालूम चल गया है। क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जा सकता है? इस तरह का पूछ लेगा कि हाल ही में आपका ग्वालियर और ओरछा चर्चा में थे, इनके बारे में कुछ नीचे लिखिए। लिखित परीक्षा में भी आ सकता है आपका, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है या आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में इतने ही पॉइंट आप लोग याद रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है,